हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पवन ग्रुप ऑफ स्कूल। माय नेम इज चौधरी श्वेता, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट ईएनवी, चैप्टर 8, गेम्स वी प्ले। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ये एक्सरसाइज। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं और मैं जो एक्सरसाइज आपको लिखवा रही हूँ, आपको अपनी बुक में राइट डाउन करना है। मैच द रीडर्स विद द पिक्चर। आपको आपके बुक में क्या दिया होगा, पिक्चर्स दिए होंगे, तो वो आपको क्या करना है, लिखना है। आपको आपके बुक में क्या दिए होंगे, पिक्चर्स दिए होंगे, वो आपको आपके बुक में, वो इधर आंसर्स जो है वो क्वेश्चन में लिखने हैं और आपको बाजू में पिक्चर्स भी होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, स्मॉल एंड कलर्ड आर दिस ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद दैट और ब्लैंक, ठीक है। सेम एंड कलरेड ग्लास बॉल्स होते हैं। यहाँ पे आपको क्या दी गई है, हिंट दी गई है, तो आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दी गई है, हिंट दी गई है, और आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है वो हिंट को देख के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Small and colored are the glass balls. To win the game, you have aimed with them all. तो आंसर क्या आएगा, marbles. आंसर हमें क्या लिखना है, marbles. M A R B L E S. आंसर क्या आएगा, marbles. Number second. If you land or snake Donald from this game, you go up and down. तो आंसर क्या आएगा, स्नेक एंड लैडर, ठीक है। इधर आपको क्या दी गई है, हिंट दी गई है, अगर आपको स्नेक ने काट दिया तो आप कहाँ पे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, ठीक है। और ये कौन सी गेम है जहाँ पे आप ऊपर नीचे जाते हो, तो आंसर क्या आएगा, स्नेक एंड लैडर, ठीक है। एस एंड ए के ई स्नेक एंड एल ए डी डी ई आर लैडर। थर्ड वन, ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर किंग एंड क्वीन एंड गाइड ब्लैंक। इधर हमें क्या दिया है, एक क्लू दी है, एक हमें हिंट दी है। यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है, बोर्ड है जिसमें स्क्वायर्स हैं, वहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड वाइट कलर्स के हैं, और वहाँ पे क्वीन भी है और किंग भी है, तो ऐसे कौन सी गेम है, क्या आएगा आंसर, चेस। आंसर क्या आएगा, चेस। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ब्लैंक दी गई होगी आपके बुक में, आपको क्या लिखना है, चेस लिखना है, ठीक है। तो सी एच ई एस एस क्या होगा, वो चेस। फोर्थ वन, इट हैज नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप टू इन द स्काई। इधर हमें क्या दी है, क्लू दी है फोर्थ नंबर में भी, इट हैज नो विंग्स, उसके पास कोई भी विंग्स नहीं है, कोई भी पंख नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, फ्लाई, फिर भी वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। हाई हाई अप टू स्काई, हाई हाई अप टू स्काई, वो कहाँ तक जा रहा है, स्काई, आसमान तक जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, काइट। क्या होती है वो, काइट। काइट के पास विंग्स भी नहीं होते और वो उड़ती भी है और आसमान तक जाती भी है, तो आंसर आपको क्या लिखना है, K I T E kite. Fifth one, King, Queen, Ace and Jack, 52 of them make a pack card blank. ठीक है, उसमें किंग भी होती है, क्वीन भी होती है, एस होते हैं और जैक भी होते हैं, जैक मतलब जोकर, और कितने कार्ड्स होते हैं, 52, तो वो क्या आएगा, कार्ड गेम्स, ठीक है। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 50
टू, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, कार्ड। तो सी ए आर डी, कार्ड। सिक्स वन, फोर्थ एंड सिक्स, इफ यू कैन गेट अ सेंचुरी इज योर, आई कैन बैट ब्लैंक। ठीक है, ऐसे कौन से गेम हैं जहाँ पे फोर्थ भी होते हैं, सिक्स भी होते हैं और हम सेंचुरी भी हो सकती हैं। तो कौन सी गेम होती है, क्रिकेट। कौन सी गेम, क्रिकेट। तो सी आर आई सी के ई टी, आंसर क्या आएगा, क्रिकेट। सेवन, बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू लाइक डू। ठीक है, अगर हम बाहर हैं तो हमें क्या क्या करना पसंद आएगा। ठीक है, तो रीडिंग, गो टू स्कूल, वॉचिंग टीवी, हेल्प मदर इन वर्क, डांसिंग एंड राइटिंग। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर हाउस फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डू यू दे प्ले व्हेन दे आर चिल्ड्रंस। ठीक है, हमें अपने फैमिली जो मेंबर्स हैं, उधर जो एल्डर्स रहते हैं और हमारे जो नेबरहुड हैं, उनसे हमें क्या पूछना चाहिए कि वो लोग जब बचपन में कौन कौन सी गेम्स खेला करते थे। तो आंसर क्या आएगा, गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, कैरम एंड चेस। एक बार वापस से हम पूरा रिवीजन कर देते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट क्या आएगा, मार्बल्स। फर्स्ट का आंसर हमें क्या लिखना है, मार्बल्स। यहाँ पे आपको क्या दिए, सारी क्लू दी गई है, आपको सिर्फ उसके आंसर्स लिखने हैं। सेकंड का आंसर हम क्या लिखेंगे, सेकंड लेडर। थर्ड का आंसर हम क्या लिखेंगे, चेस। फोर्थ का आंसर हम क्या लिखेंगे, काइट। फिफ्थ का आंसर हम क्या लिखेंगे, कार्ड। सिक्स का आंसर हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट। और सेवन का आंसर हम क्या लिखेंगे, इधर आपको ब्लैंक दी गई होगी, आपको क्या करना है, उधर लिखना है, रीडिंग, गो टू स्कूल, वॉचिंग टीवी, हेल्प इन मदर इन वर्क, डांसिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे आपको एक दिया है, फाउंड आउट द फ्रॉम द एल्डर्स इन योर हाउस फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डिड यू दे प्ले व्हेन दे आर चिल्ड्रन। तो इधर आपको ब्लैंक दी गई होगी, आपको क्या करना है, आंसर्स लिखना है। तो क्या आएगा, गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, कैरम एंड चेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितने भी आंसर्स हैं वो आपके बुक में आपको राइट डाउन करने हैं और ये सारे आंसर आपको कंपलसरी आपके बुक में लिखने हैं। थैंक यू।